अभी आपकी टेस्ट हुई है और रिपोर्ट अभी आपने आपको एक्सप्लेन की है, तो क्या सोच रहे हो अभी? 11th 12th बायो और फिर मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन और उसके बाद में शायद IAS के लिए प्रिपेयर सोच रहे हो? हाँ, ऐसा सोचा अभी मैंने। और रिपोर्ट के बारे में क्या लग रहा है? हाँ, अच्छा था, समझ गया, क्लियर हो गया सब। जो पर्पस के लिए हमने रिपोर्ट किया है वो पर्पस अचीव हो रहा है कि नहीं? हाँ, पता चल गया क्या नहीं कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। और कितना एक्यूरेट तुमको लगता है रिपोर्ट होगा? 90-80%। ओके। और सैटिस्फैक्शन अच्छे से, मतलब पूरा क्वेरीज एड्रेस हो गई है हमको, हमारा जो पर्पस है वो अच्छी वेल अचीव्ड हो गया है, ये एक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डिफरेंट तुम कर सकते हो, उस पर पूरा कन्फर्मेशन है। और तुम्हारा इंसाइट अच्छा है, इसलिए जो हिंट्स आ रहे थे ना अंदर में मेडिकल और क्या सोचा था तुमने, IAS सोचा था, उसको हिंट्स आ रहे थे, बट वो श्योर नहीं था, बट हिंट्स आ रहे थे, तो वो उसका इंट्रोस्पेक्शन अच्छा होने की वजह से उसको हिंट्स तो आ रहे थे, बट इट वॉज नॉट श्योर, बट फिर भी छोटा ही है, लेकिन हिंट्स आ रहे थे उसको, उसका इंट्रोस्पेक्शन अच्छा है, इसलिए बस अब अपने ईगल को बाहर निकालो प्रोफेशनल फ्रंट पे, और घर में डव बन जाया करो। ठीक है, थोड़ा सा जो मैंने भी। सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर मुकुंद काउंसलिंग इज डन? इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, समथिंग दैट वॉज अनक्लियर नाउ इट गॉट क्लियर, विल थिंक ओवर इट एंड विल डेफिनेटली रीच टू अ प्रॉपर कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड यू आर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद? या द टारगेट अचीव व्हाटएवर वी वांटेड टू अचीव। थैंक यू, वेरी गुड। नो या थैंक यू।